अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेडिकल ग्लोब ई लर्निंग। यू आर लिसनिंग सरनेम। टुडे आई विल डिस्कस द गाइडलाइन ऑफ टिश्यू रिपेयर। आई एम शेयरिंग दिस गाइडलाइन फ्रॉम मीडियम रॉबिन्स 10th एडिशन, सो लेट्स स्टार्ट। टिश्यू रिपेयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक में से आपका एक SCQ आता होता है, एक क्वेश्चन आपका इन्फ्लेमेशन में से आता होता है, एक क्वेश्चन आपका टिश्यू रिपेयर में से आता होता है। तो टिश्यू रिपेयर छोटा सा टॉपिक है, इस टॉपिक को करने से आपका एक UQ आसानी से कवर हो सकता है, तो आपने टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ टिश्यू रिपेयर है, तो ओवरव्यू को आपने जस्ट रीड करना है। यहाँ पे आपको मैंने UQ लिखा हुआ है। UQ यहाँ से ये आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रीजर्नेशन और रिपेयर। तो पहला क्वेश्चन ही ये है कि रीजर्नेशन और रिपेयर में क्या डिफरेंस है, तो ये आपने अच्छे से करना है। फिगर 3.23 करनी है। नेक्स्ट ये आपने सारा अच्छे से रीड करना है, इसमें से कुछ याद नहीं करना है, इसको अच्छे तरीके से रीड करना है, लेकिन इसमें से बस आपने डिफरेंस निकाल लेने के रीजर्नेशन और रिपेयर के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट आपका सेल एंड टिश्यू रीजर्नेशन है। इसके अंदर ये जो आपका टॉपिक है सेल पॉलीफ्रेशन सिग्नल्स एंड कंट्रोल मैकेनिज्म्स, जिसमें ये लिबाइल सेल्स हैं, स्टेबल सेल्स और परमानेंट सेल्स हैं, ये आपका UQ है। तो इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। देन मैकेनिज्म ऑफ टिश्यू रीजर्नेशन, इससे आपने रीड करना है, बट गिव इट अ गुड रीड। इसके बाद लीवर रीजर्नेशन है, इसे भी आपने रीड करना है, लेकिन इसे भी आपने बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है। रिपेयर बाय स्कारिंग, रिपेयर बाय स्कारिंग में जो स्टेप्स हैं स्कार फॉर्मेशन के, ये स्टेप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं स्कार फॉर्मेशन के, ये आपका UQ आता होता है। तो आपने ये तीनों चारों जो स्टेप्स हैं स्कार फॉर्मेशन के ये करने हैं। इसके अलावा आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से रीड देनी है। आपकी फिगर है 3.24, इसे आपने अच्छे तरीके से देख लेना है कि स्टेप्स ही हैं इन रिपेयर बाय स्कार फॉर्मेशन, तो ये आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है एंजियोजेंसिस का। एंजियोजेंसिस का आपका UQ आता होता है, जिसमें आपको ये डेफिनेशन करनी होती है। इसके अलावा ये एंजियोजेंसिस के अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ये आपने करने होते हैं। टॉपिक आपने पूरा ही रीड करना है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जो कि UQ में पूछी जाती हैं। तो ये आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है और ये स्टेप्स पूछे जाते हैं। इन स्टेप्स को अगर आप डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये बहुत अच्छा इंप्रेशन डालती है। तो ये एंजियोजेंसिस की डेफिनेशन डायग्राम है, तो आपने इस डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से करना है। ये भी आपके UQ में पूछी जाती है। देन यहाँ से आ जाते हैं आपके ग्रोथ फैक्टर्स। ये ग्रोथ फैक्टर्स लंबे तो लिखे हुए हैं, लेकिन आपने इनको अच्छी तरह से रीड करना है, क्योंकि यहाँ से आपके MCQ बनते होते हैं। जैसे आपका वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स है, ठीक है, तो ये जैसे लिखा हुआ है कि स्टिमुलेट बोथ माइग्रेशन एंड पॉलीफ्रेशन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, तो ये आपका MCQ बन सकता है। ये MCQ यूनिवर्सिटी में भी आ सकता है और आपके कॉलेज वगैरह में भी आ सकता है। तो आपने को अच्छी तरह से रीड करना है जो पूरा टॉपिक है। देन ये MCQ एक मैंने हाईलाइट किया है कि जो हमारे पास टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइटोकाइन है। तो ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है, इसे आपने बहुत अच्छे तरीके से देखना है। बाकी जो आपका टॉपिक है इसे आपने गुड रीड देनी है। देन ये जो रीमोल्डिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, ये सारा आपने रीड करना है। मॉर्फोलॉजी आपकी इंपॉर्टेंट है। इसमें ग्रैनुलेशन टिश्यू और स्कार और फाइब्रोसिस का बताया गया है। ये ग्रैनुलेशन टिश्यू आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, UQ के लिहाज से भी और OSPI के लिहाज से भी। डिफाइन ग्रैनुलेशन टिश्यू, रिपीटेड OSPI क्वेश्चन है, तो आपने ये बहुत अच्छे तरीके से करना है। डिफाइन करने के बाद हमने इसमें बताना होता है इसकी थोड़ी सी मॉर्फोलॉजी के, ये जैसे लिखा हुआ है कि इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास इंफ्लेमेटरी सेल्स होते हैं मेनली, मैक्रोफेजेस, सेलुलर मैट्रिक्स होता है, ऑल दैट। तो आपने ग्रैनुलेशन टिश्यू बहुत अच्छे तरीके से करना है। देन हमारे पास आ जाते हैं फैक्टर्स दैट इम्पेयर टिश्यू रिपेयर। तो ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिपीटेड UQ है, हर तीसरा क्वेश्चन है कि फैक्टर्स बताएं जो कि टिश्यू रिपेयर को इम्पेयर करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स आपने बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। हर तीसरा या चौथा क्वेश्चन आपको फैक्टर्स का मिलेगा, तो ये सारे फैक्टर्स आपने एज इट इज़ करने हैं। देन हमारे पास आ जाता है क्लिनिकल एग्जाम्पल्स ऑफ एबनॉर्मल वाउंड हीलिंग एंड स्कारिंग। ये आपका टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले डिफेक्ट्स इन हीलिंग क्रॉनिक वाउंड्स हैं, तो इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है। ये सारे जो भी आपको दिए हुए पॉइंट्स, इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है। देन आपका टॉपिक है एक्सेसिव स्कारिंग। ये जो आपका टॉपिक है इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। यहाँ से हाइपरट्रॉफिक स्कार वगैरह ये आपको सब पता होना चाहिए।
एग्जूबरेंट ग्रेनुलेशन क्या होती है, डेस्मॉइड्स क्या होते हैं, एग्रेसिव फाइब्रोमाटोसिस क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये वाला टॉपिक बिग कैटसंग से करेंगे, बिग रॉबिन से करेंगे, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे ये जो एबनॉर्मेलिटीज़ वाला टॉपिक है अच्छा दिया हुआ है। छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल चैप्टर के लास्ट पे दिया हुआ है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि एटलीस्ट एबनॉर्मेलिटीज़ वाला टॉपिक जो है ये आप बिग रॉबिन से करें। बाकी फाइब्रोसिस इन पैरेन्काइमल ऑर्गन्स है, तो ये आपका UQ है, इसमें आपने सारे को बहुत अच्छे तरीके से रीड करना होता है। जो चीज़ आपसे पूछी जाती है वो फाइब्रोसिस की डेफिनेशन है, और नेक्स्ट पेज पे ये जो डायग्राम है इसका मैकेनिज्म पूछा जाता है। तो यहाँ अगर हम डायग्राम ही बना देते हैं तो ये मोर देन एनफ होती है, ये हमारा पूरा UQ जो है इसमें कवर हो जाता है। तो फाइब्रोसिस की डेफिनेशन और इसकी डायग्राम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। चैप्टर के एंड पे मैं वीडियो के एंड पे मैं चैप्टर की समरी बताऊँगी। जो टिश्यू रिपेयर वाला चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, टिश्यू रिपेयर वाले टॉपिक में से दो क्वेश्चंस आते होते हैं, एक फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग और सेकंड इंटेंशन हीलिंग, जो कि आपकी मीडियम रॉबिन्स के अंदर मेंशन नहीं है ये टॉपिक। तो आपने हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन एंड हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन, ये टॉपिक आपने बिग रॉबिन से करना है। डायग्राम बनी हुई है वहाँ पे बहुत अच्छी सी, तो ये टॉपिक आपने वहाँ से करना है। दूसरा टॉपिक आपने एबनॉर्मेलिटीज़ वाला करना है, वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ से करें, लेकिन वहाँ ज़्यादा अच्छे तरीके से हेडिंग्स बना के लिखा हुआ है, और छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। तो ये टॉपिक आपने ज़रूर बिग रॉबिन से करने हैं, हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन और हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन, ये तो आपने किसी सूरत भी मिस नहीं करना। क्योंकि जैसे आप पास्ट पेपर्स की बुक उठा के देखते हैं, आप देखेंगे कि हर तीसरा या चौथा क्वेश्चन आपको यही नज़र आएगा कि स्टेप्स बताएं हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन के, या क्लीन वूंड हीलिंग कैसे होती है, सेकंड इंटेंशन हीलिंग कैसे होती है, या दोनों हीलिंग्स में डिफरेंस पूछा जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट UQ, ऐसे आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। एंड पे मसला रह जाता है MCQs का। MCQs के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेडिकल ग्लोब आपके लिए लाया, क्रैक्स, जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ MCQs हैं, हर तरह का MCQs आपको वहाँ पे मिलेगा। क्रैक्स के MCQs लाजमी करें अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। थैंक यू। Medical Globe brings you the solution to your problems, the problems you face during your professional exams. Yes, we are introducing MBBS Cracks. This book contains chapter-wise important topics, solved past university questions are given in this book, chapter pulls are given to help you ace your MCQs exams. Besides this, forensic summaries are added and important pictures from Big Robins and OSPE pictures in high resolution are added to help you ace your OSPE exams. Besides this series for SCQ and OSPE, MCQs Cracks has also been introduced. This book contains MCQs not only from UHS but also from several other universities. So what are you waiting for? Get your book ordered online at a given number, that is 0335 663 007, and I promise you that you won't regret purchasing this.